फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो सीरीज। आज इस वीडियो में अपन देखेंगे एसआर लैच यूजिंग नॉर गेट। नॉर गेट की हेल्प से हम एसआर लैच कैसे डिजाइन करेंगे। अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट। एसआर लैच हम नैंड गेट की हेल्प से कैसे बनाएंगे, पूरी स्टोरी इसकी ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में कि एसआर लैच क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। एसआर लैच हम नैंड गेट की हेल्प से कैसे बनाएंगे, तो आज मैं आपको केवल सीधे सीधे बताऊंगी कि एसआर लैच हम नॉर गेट की हेल्प से कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसकी लैच की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में मिलेगी, तो उस वीडियो को जाके आप जरूर देखिए, वहां पे आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे लैच को लेकर कि लैच क्या होता है। तो लैच बेसिकली एक टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस होता है जो 1 बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, क्योंकि लैच का मतलब हमें पता है, लैच मतलब होता है लॉक करना या होल्ड करना। तो जो लैच सर्किट है वो हमारी 1 बिट इंफॉर्मेशन को टेम्परेरली स्टोर करता है। कब तक स्टोर करता है, जब तक कि हमारे इनपुट में चेंज नहीं होता। जैसे ही हमारा इनपुट चेंज होगा वो हमारी आउटपुट को इमिडिएटली चेंज कर देगा, ठीक है, और हमें नेक्स्ट आउटपुट मिल जाएगा। तो ये फंक्शन होता है हमारे लैच का। अब हमें यहाँ पे डिजाइन करना है लैच यूजिंग नॉर गेट। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा सर्किट डायग्राम है एसआर लैच यूजिंग नॉर गेट का। नैंड गेट और नॉर गेट वाले लैच में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमने केवल नैंड गेट को नॉर गेट से रिप्लेस कर दिया। दो डिफरेंस है। पहला डिफरेंस है कि जो नैंड गेट से एसआर लैच हमने बनाया था वहां पे हमने नैंड गेट का यूज किया था, यहां पे हम दो नॉर गेट का यूज करेंगे नैंड गेट की जगह। दूसरा डिफरेंस ये है कि हमारा इनपुट, वहां पे हमारा ऊपर वाला इनपुट सेट था और नीचे वाला रीसेट इनपुट था, यहां पे हमारा ऊपर वाला इनपुट रीसेट है और नीचे वाला इनपुट सेट है। बस यही दो डिफरेंस है। पहला डिफरेंस हमारे इनपुट की पोजीशन में है और दूसरा डिफरेंस हमारे गेट में है। यहां हम नॉर गेट का यूज करेंगे, वहां पे हमने नैंड गेट का यूज किया था, ठीक है। बाकी हमारे सर्किट में कोई चेंज नहीं है। हमारे आउटपुट है क्यू और क्यू बार। इसको हम क्यू एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी क्यू एन और क्यू एन बार, कुछ भी कह सकते हो आप। क्यू एन कह सकते हो या क्यू और क्यू बार भी कह सकते हो, ठीक है। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे मैंने नॉर गेट का यूज किया है, इसीलिए हम नॉर गेट का ट्रुथ टेबल देखेंगे। तो ये देखिए, नॉर गेट का ट्रुथ टेबल यहाँ पे बना हुआ है। टू इनपुट नॉर गेट के लिए हमारे दो इनपुट के 4 कॉम्बिनेशन होंगे 00, 01, 10, 11। नॉर गेट में आप याद रखिएगा कि अगर हमारा एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट लो मिलेगा, यानी अगर एक भी इनपुट आपका 1 है तो आपको आउटपुट 0 मिलेगा। एक भी इनपुट यानी 01 में 0, 10 में 0 और 11 में 0, अगर एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 मिलेगा। ये बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसी पे बेस्ड हमारा सारा ऑपरेशन है। तो इस सर्किट के लिए अब हमें एसआर लैच यूजिंग नॉर गेट के लिए हमें ट्रुथ टेबल डिजाइन करना है। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास दो इनपुट है एस और आर, दो इनपुट के 4 कॉम्बिनेशन 00, 01, 10, 11, ठीक है। इससे हमें अपने नेक्स्ट स्टेट जो है वो पता करनी है, यानी नेक्स्ट आउटपुट आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे। एस इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 1। हम S को 0 देंगे और R इनपुट हमारा 1 होगा। मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमारा एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट नॉर गेट में देखिए, एक इनपुट 1 है, ये वाला इनपुट हमें मालूम नहीं है, ठीक है। तो आउटपुट क्या हो जाएगा, एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट 0। तो Q की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0। ये 0 वैल्यू हमारे सेकेंड नॉर गेट में जाएगी, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 00, आउटपुट 1। तो जब हमने सेट को 0 दिया और रीसेट को 1 इनपुट दिए तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, Q इक्वल टू
जीरो मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पे हमारा आउटपुट आ गया Q इक्वल टू जीरो। अब आप कहोगे आपने क्यू एन प्लस वन में जीरो क्यों लिख दिया, क्योंकि ये हमारी प्रेजेंट स्टेट थी क्यू एन। जब हमने इनपुट को यहां पे चेंज किया तो हमें आउटपुट क्या मिला, हमें आउटपुट जीरो मिला, मतलब ये हमारा अब नेक्स्ट आउटपुट आ गया। ठीक है, तो हमने आउटपुट लिख दिया जीरो। ठीक है, जब भी आप इनपुट में चेंज करोगे तो आउटपुट में हमें चेंज मिलेगा, यानी हमें अपना नेक्स्ट आउटपुट मिलेगा। अब हम फिर से इनपुट में चेंज करेंगे, एस इक्वल टू वन आर इक्वल टू जीरो, एस इक्वल टू वन आर इक्वल टू जीरो। जब एस इक्वल टू वन दिया तो हमें फिर से पता है कि अगर एक भी इनपुट वन होगा तो आउटपुट जीरो आना है, मतलब ये जीरो आ जाएगा क्यू बार। ये जीरो आया तो ये जीरो हमारे फर्स्ट नॉर गेट में गया, तो जीरो जीरो हमें वन मिलेगा। तो यहां पे देखिए कि जब हमारा क्यू बार जीरो आया तो क्यू की वैल्यू वन आई, मतलब हमारा सर्किट बिल्कुल सही काम कर रहा है। क्यू का कॉम्प्लीमेंट है क्यू बार, तो अगर ये वन है तो इसकी वैल्यू जीरो है, अगर ये वन होता तो इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, तो सर्किट बिल्कुल सही काम कर रहा है। ठीक है, तो आउटपुट क्या है हमारा वन। अब अपन थर्ड केस देखते हैं, इसमें एस और आर दोनों की वैल्यू वन है, यानी एस इक्वल टू वन और आर इक्वल टू वन। इस केस में क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया था कि नॉर गेट के केस में अगर एक भी इनपुट वन होता है तो आउटपुट जीरो मिलेगा, तो इसमें भी एक इनपुट वन है तो आउटपुट जीरो, इसमें भी एक इनपुट वन है तो आउटपुट जीरो, यानी इस टाइम पे क्यू भी जीरो और क्यू बार भी जीरो। इट इज पॉसिबल नॉट पॉसिबल, ये हमारा सर्किट कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट है, सर्किट काम नहीं कर रहा है या गलत आउटपुट आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे उसका कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए। अगर ये जीरो है तो ये वन आना चाहिए, लेकिन दोनों की वैल्यू जीरो आ रही है, मतलब इट इज अ नॉट वैलिड आउटपुट, ये हमारा वैलिड आउटपुट नहीं है। तो जब भी हमारा एस और आर वन वन होगा तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो इनवैलिड आएगा। ठीक है, अब हमारा लास्ट बचा एस इक्वल टू जीरो आर इक्वल टू जीरो, आर को जीरो और एस को हम जीरो दे देंगे। तो क्या होगा, आर को जीरो दिया है और एस को जीरो दिया है, तो हमें सेकेंड दोनों नॉर गेट के सेकेंड इनपुट पता होने चाहिए, क्योंकि हमें पता है नॉर गेट में अगर एक भी इनपुट वन होगा तभी आउटपुट जीरो मिलेगा, लेकिन यहां पे तो दोनों इनपुट जीरो जीरो हैं, तो इसका भी इनपुट पता होना चाहिए और इसका भी। वो कैसे करें, तो उसके लिए हम एज्यूम करेंगे कि हमारा जो आउटपुट है हम उसको मान के चलेंगे। दो ही केस हो सकते हैं कि क्यू की वैल्यू एक बार जीरो है और एक बार वन है। ठीक है, क्योंकि हमारा आउटपुट क्यू जो है उसके दो ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या तो वन हो सकता है या जीरो हो सकता है। तो एक बार हम मानेंगे केस वन में एस इक्वल टू जीरो है, आर इक्वल टू जीरो है, और हम एज्यूम करेंगे क्यू इक्वल टू जीरो। ठीक है, जब हमने क्यू इक्वल टू जीरो लिया तो उसका मतलब है क्यू बार हमारा उस टाइम पे वन होगा। ठीक है, ये हमारी प्रेजेंट स्टेट है, ये हम प्रेजेंट स्टेट मान के चल रहे हैं, यानी क्यू एन मान के चल रहे हैं। अब अगर क्यू एन जीरो है तो ये जीरो हमारा यहां जाएगा, और क्यू एन बार अगर वन है तो ये वन हमारा यहां जाएगा। तो अगर एक भी इनपुट वन है तो आउटपुट यहां जीरो आ जाएगा, दोनों इनपुट जीरो है तो आउटपुट वन आएगा, यानी हमारा जो आउटपुट है वो चेंज नहीं हो रहा, क्यू एन प्लस वन हमारा चेंज नहीं हो रहा। क्यू एन जीरो दे रहा हो तो क्यू एन प्लस वन भी हमें जीरो ही मिल रहा है। दूसरा केस ले लेते हैं जिसमें एस इक्वल टू जीरो है, आर इक्वल टू जीरो है, और हम एज्यूम करेंगे क्यू एन इक्वल टू वन। ठीक है, क्यू एन वन है तो क्यू एन बार क्या होगा, वो जीरो होगा। ठीक है, क्यू एन वन की वैल्यू तो यहां पे वन आ जाएगा सेकेंड नॉर गेट में, और अगर क्यू एन बार जीरो है तो ये जीरो हमारे यहां चला जाएगा। हमें मालूम है कि नॉर गेट में अगर एक भी इनपुट वन है तो आउटपुट क्या होगा, जीरो, और अगर दोनों इनपुट जीरो है तो
आउटपुट क्या होगा? 1। तो यानी हमारा क्यू एन प्लस 1 क्या आ रहा है? 1। तो यहां पे देखिए, अगर आप प्रेजेंट स्टेट आउटपुट 0 है तो नेक्स्ट आउटपुट भी 0 आ रहा है, अगर प्रेजेंट स्टेट का आउटपुट 1 है तो नेक्स्ट का आउटपुट भी 1 आएगा। मतलब हमारा जो सर्किट है वो इस टाइम पे एक मेमोरी एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, यानी अपनी प्रेजेंट स्टेट को स्टोर करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा। तो ये कंडीशन हमारी कहलाती है होल्ड कंडीशन, जिसमें हमारा नेक्स्ट आउटपुट जो है वो होल्ड करता है अपनी प्रेजेंट आउटपुट को। यानी होल्ड के केस में हमारा Qn Qn प्लस 1 के इक्वल होता है। जब भी होल्ड की बात होगी उस टाइम पे Qn इक्वल टू Qn प्लस 1, ठीक है। तो इस टाइम पे सर्किट हमारा, जब S और R दोनों की वैल्यू 0 है तो NOR गेट के केस में हमारा सर्किट एक मेमोरी एलिमेंट की तरह काम करेगा, और ये वाली स्टेज जो आएगी उसमें वो अपनी प्रीवियस वैल्यू को होल्ड करके रखेगा। कब तक होल्ड करेगा? जब तक कि हम फिर से इनपुट में चेंज नहीं करते। तो ये है हमारा SR लैच यूजिंग NOR गेट। इस तरीके से हम NOR गेट की हेल्प से SR लैच डिजाइन कर सकते हैं। फिर से एक बार मैं आपसे कहूंगी कि SR लैच बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सिक्वेंशियल सर्किट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो, ठीक है, क्योंकि सिक्वेंशियल सर्किट की स्टार्टिंग ही होती है लैच से। अगर आपको लैच आता है तो ही आप फ्लिप फ्लॉप डिजाइन कर सकते हो, तभी आप काउंटर डिजाइन कर सकते हो। सारी सिक्वेंशियल सर्किट आपको तभी बनेगा जब आपको इस लैच और लैच की फंक्शनिंग समझ में आएगी। तो सबसे पहले सिक्वेंशियल सर्किट के लिए आप लैच पढ़िए, लैच पढ़ने के बाद आप फ्लिप फ्लॉप पढ़िएगा, ठीक है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर कंसेप्ट समझ में आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।